गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या ताम्रकार। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 2, अ स्नेक चार्मर स्टोरी। इट इज़ द क्लास 5 EVS चैप्टर नंबर 2। इन माई फर्स्ट वीडियो आई इंट्रोड्यूस अ बॉय, हिज नेम इज आर्यनाथ। And he told us a small experience of his grandfather who is a snake charmer. First of all, I told you about snake charmers. Snake charmers मतलब सपेरे होते हैं जो कि सांप पकड़ कर लोगों को entertain करते हैं। एक type का musical instrument वो प्ले करते हैं जिससे कि सांप जो है बैम्बू के बॉक्स से जिसमें उनको रखा जाता है उनसे निकलकर वो उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग बॉडी मूव करते हैं और उसके बाद वापस उन्हें उसी बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो स्नेक चार्मर को सपेरा भी कहते हैं। आप लोगों ने स्नेक चार्मर्स को देखा होगा कभी, आपके घर या आपके विलेज के आसपास वो कभी कभी आते हैं। सो इट इज़ द PDF ऑफ योर चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। एंड वन थिंग आई हैव टू टेल यू दैट दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रंगोली विच इज डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज इन रंगोली एम्ब्रॉयडरी एज वेल As for the wall decoration in Saurashtra means Gujarat and South India. ये जो आपको दिखाई दे रहा है different type का ये जो pattern है जिसमें snake बने हुए हैं, ये pattern जो होते हैं, ये वाला जो pattern है, ये pattern जो होते हैं ये रंगोली में बनाए जाते हैं गुजरात और South India में। ये वहाँ का लोकल और फेमस पैटर्न होता है। सो नाउ कम टू द चैप्टर। इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है आर्यनाथ। वो अपने ग्रैंडफादर जिनका नाम है रोशननाथ जी, उनके बारे में बता रहा है। रोशननाथ जी शुरू से ही स्नेक चार्मर थे, मतलब सपेरा थे, सांप पकड़ते थे और उनका जो जहर था उसे वो निकाल देते थे। तो उसके जो दादाजी थे वो बहुत फेमस थे लोगों के बीच क्योंकि वो बहुत ईजली किसी भी स्नेक को पकड़ लेते थे और उन्होंने अपनी कुछ एक्सपीरियंस या कुछ स्टोरी जो थी वो अपने ग्रैंडसन आर्यनाथ को बताई थी और आर्यनाथ हमसे वो स्टोरी शेयर कर रहा है इस चैप्टर में। तो वो हमें ये बताता है कि उसके दादाजी आसानी से सांप पकड़ लेते थे, बहुत लोगों को वो चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी लेकिन वो क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा करते थे, उनको सिखाया गया था तो वो उसे ईजली पकड़ लेते थे। और जब आर्यनाथ और उनके दादाजी आर्यनाथ के दादाजी मतलब रोशननाथ के दादाजी आर्यनाथ के ग्रेट ग्रैंडफादर तो रोशननाथ जी के दादाजी के साथ वो ये चीज़ें सब सीखते थे। वो हमेशा एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, दे यूज़ टू मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर कैरिंग अवर स्नेक इन बैम्बू बास्केट। और वो जिस भी गांव में रुकते थे वहाँ सारे लोग उनको घेर कर खड़े हो जाते थे क्योंकि उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग होती थी कि कैसे कोई आदमी एक इतने बड़े और डेंजरस एनिमल को अपने साथ रखता है और उसे एक बीन से ही वो डांस करने के लिए उसे अपने वश में कर लेता है या फिर उसको अपने बीन से बजाने के लिए इतने डेंजर एनिमल को डांस करा देता है। और बहुत सारे लोग उनका ये इंटरटेन देख के वहाँ रुक जाते थे। आर्यनाथ
उनके दादाजी ने अपने दादाजी से फॉरेस्ट में जाकर बहुत सारी मेडिसिन बनानी सीखी थी। ये मेडिसिन वो गांव के लोगों को देते थे। कभी-कभी उनके दादाजी को दूर-दूर से लोग बुलाने आते थे ताकि वो जिनको मेडिसिन चाहिए वो उनको दे सकें। कई बार उनको इसलिए भी बुलाया जाता था ताकि किसी को अगर सांप काट लिया है तो उनका वो दवा कर सकें। और उसके दादाजी सांप के काटने के निशान से ये जान लेते थे कि वो सांप कौन सा है। फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट ही ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैज़ बिटन द पर्सन। अकॉर्डिंग टू द मार्क दे गिव अ मेडिसिन फॉर दैट बट दे हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। वो हमेशा वो हेल्प करने के लिए या उस वक्त के लिए वो प्रेजेंट नहीं रहते थे, क्योंकि कई बार कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत पॉइजनफुल होते हैं और जैसे ही जब सांप काटता है तो उनकी डेथ वहीं ऑन द स्पॉट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमने रिमाइंड की, ये सारी चीज़ें या ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया ये हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वी डू। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट कैन वी डू। आरनाथ योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी यंग चाइल्ड। ही लर्न द प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट। दिस डे इट इज़ डिफिकल्ट। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैच वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम। सम पीपुल किल द एनिमल एंड द सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसेस। उसके दादाजी बताते हैं कि आर्यनाथ तुम्हारे जो पिताजी थे जब वो बहुत छोटे थे तब से वो मेरे साथ ही घूमते हैं। उन्होंने बीन बजाना खुद ही सीख लिया जबकि उसे किसी ने भी वो बीन बजाना नहीं सिखाया। वो स्पेशल कोई क्लास नहीं जाते थे ना उनके दादाजी ने उनको कुछ सिखाना बजाया, वो देख देख के ही बीन बजाना सीख गए। दिस वॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। नाउ गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल एंड कीप देन। इस वक्त में वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्या स्नेक चार्मर्स का रहना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब बहुत सारे ऐसे लॉ बना दिए हैं। और लॉ मतलब कानून, हर सिटी हर स्टेट हर कंट्री का एक कानून होता है। वो कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। ह्यूमन लॉ जो होता है वो इंसानों की भलाई के लिए और एनिमल्स लॉ जो होता है वो जानवरों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो कि लोगों की अच्छाई भलाई और उनके साथ कभी कोई बुरा मत हो इसलिए बनाया जाता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार ने एनिमल्स के लिए भी एक कानून बनाया है जिसमें उनमें ये लिखा गया है कि किसी भी एनिमल्स को आप नहीं पकड़ सकते और उसको पाल नहीं सकते। जैसे स्नेक चार्मर्स थे वो फॉरेस्ट से स्नेक पकड़ कर लाते थे और उनको अपने साथ ही रखते थे। तो अब सरकार ये कानून बना दिया है कि कोई भी आदमी किसी भी वाइल्ड एनिमल को नहीं पकड़ सकता और अपने साथ वो उसे नहीं रख सकता। तो इस वजह से स्नेक चार्मर्स आर नाउ इन द ट्रबल बिकॉज द लॉ ऑफ एनिमल दैट दे कैन नॉट कैच एनी टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड दे डू नॉट कीप देम। तो इस वजह से जो स्नेक चार्मर्स हैं वो अभी थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए हैं क्योंकि वो अब स्नेक नहीं पकड़ सकते और वो उसे अपने पास नहीं रख सकते। और ये लॉ क्यों बनाया गया? वाई द गवर्नमेंट मेक दैट टाइप ऑफ लॉ? बिकॉज सम पीपुल किल एनिमल्स बिकॉज
सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस. वो इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ लोग उस एनिमल्स को, मतलब इस स्नेक को पकड़ते थे और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, वो बहुत शाइनी होती है, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है. तो उसके स्किन को वो निकालते थे और बहुत प्राइस में बेचते थे. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. सो इस वजह से ये लॉ बनाया गया. जैसे मैंने कहा कि हर लॉ जो होता है, ह्यूमन लॉज जो होते हैं वो इंसानों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, वैसे ही बहुत टाइप के एनिमल्स के लिए भी लॉ है जो उनकी भलाई के लिए बनाए जाते हैं. तो ये क्यों बनाया गया था? ताकि कोई भी इंसान किसी भी टाइप के सांप को पकड़ के उसके स्किन, उसके टीथ, उसका हॉर्न, टस्क, ये सब के लिए उसको पकड़ते हैं, मारते हैं और उनसे उनकी चीज़ें निकाल कर बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं. तो ये सब रोकने के लिए एनिमल लॉ बनाया गया, जिसकी वजह से स्नेक चार्मर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई. नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन के लिए जो पैसे होते हैं, जो ज़िंदगी जीने के लिए जो पैसे होते हैं, वो अब वो कैसे लाएंगे. में पढ़ा था कि जब वो स्नेक चार्मर स्नेक का एंटरटेन स्नेक से लोगों का एंटरटेन करते हैं तो लोग उन्हें या तो पैसे देते हैं या फिर अनाज दे देते हैं. तो उनका उनकी ज़िंदगी उसी में से चल रही थी. लेकिन अब जब ये लॉ बन गया तो उनकी ज़िंदगी अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि वो स्नेक को पकड़ ही नहीं सकते और वो अपना जो शो था, स्नेक का शो था, वो अब दिखा ही नहीं सकते. तो उनकी ज़िंदगी अब खतरे में हो गई और उनके लिए पैसे की कमी होनी शुरू हो गई. वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड शोल देयर स्किन. पीपल से दैट वी कीप द स्किन स्नेक इन बैड कंडीशन. इफ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नेक्स. बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि स्नेक चार्मर्स जो होते हैं वो ही सांप को पकड़ते हैं, मारते हैं, उनके स्किन को बेच देते हैं. लेकिन स्नेक चार्मर्स का कहना है, मतलब रोशन नाथ जी जो थे उनका कहना ये था कि अगर वो ऐसा करते, अगर वो चाहते तो वो वैसा कर सकते थे और इससे बहुत पैसा बना सकते थे. सांप को मारकर उसकी पूरी स्किन को बेच के, हाई प्राइस में बेच के वो भी बहुत पैसे कमा सकते थे. बट वी वुड नेवर डू दैट. उन्होंने पर ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं किया. स्नेक आर आवर ट्रेजर्स. स्नेक उनके लिए खजाना थे. दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वो कहते हैं कि हमने कभी भी सांप को नहीं मारा, न ही उनके स्किन को हमने बेचा है, क्योंकि सांप जो थे वो उनका खजाना थे. ट्रेजर्स मीन खजाना. दैट इज द ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स खजाना, जिसे कि वो खजाना या कह सको तो विरासत वाली संपत्ति जो कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देते थे. वी इवन गिफ्ट स्नेक टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. जबकि वो अपनी जो बेटियां होती थी उनको शादी में स्नेक गिफ्ट करते थे जब उनकी शादी होती थी. इन अवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक. आरनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर यूर सेल्फ. यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन. यू एंड यूर कजन्स कैन फ्रॉम अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. कलबेलिया जो डांस होता है, कलबेलिया डांस में भी वो सांप जिस तरह बैम्बू के बास्केट से निकल कर अपने बॉडी पार्ट को आधा हवा में मूव करते थे, कुछ इसी तरह वो सांप से सिमिलर मूवमेंट करते हैं अपने कलबेलिया डांस में भी. और आरनाथ को वो कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही ज़िंदगी बनाना, तुम एक डिफरेंट टाइप की ज़िंदगी अपने लिए चूज़ करना. अब
क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे फादर की बीन है, तो तुम अपने कज़न और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी कर सकते हो और उस पार्टी में लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट ए स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर। बट वो नॉलेज को कभी भी वेस्ट मत करना जो तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें दिए हैं। कौन से नॉलेज? उनको बीन बजाने का नॉलेज जो था, जो वो बिना सीखे ही बजाना सीख गया था, ये जो नॉलेज है। और सांप के बारे में जितनी भी जानकारी है वो उसे दूसरों से शेयर करना और वेस्ट मत करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट ए स्नेक विद चिल्ड्रंस हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ ए स्नेक। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजन्स स्नेक। उन्होंने आर्यनाथ से कहा कि अपना जो स्नेक के बारे में जानने का जितना भी नॉलेज है वो अपने और अपने साथ रहने वाले जो उनके सिटीज़ और टाउन में रहने वाले जितने भी दूसरे चिल्ड्रंस हैं उनके साथ उसे शेयर करना और उन्हें बताना कि कैसे जहरीले सांप को पहचाना जा सकता है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। दे ईट द रैट इन द फील्ड, अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को ये भी बताना कि कैसे स्नेक जो होते हैं ये किसान के दोस्त होते हैं, वो खेतों में जितने भी चूहे होते हैं बड़े बड़े उन्हें खा जाते हैं, वरना चूहे जो हैं वो सारी फसलों को खा जाएंगे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और तुम अपने, जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई, वैसे ही तुम अपने अपनी एक स्टोरी बताना अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। रोशन नाथ जी का ग्रैंड चिल्ड्रन कौन था? आर्यनाथ। तो वो आर्यनाथ से कहते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाई, वैसे ही तुम अपनी स्टोरी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुनाना। नाउ वी आई एक्सप्लेन बॉक्स ऑफ मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री। ओनली फोर टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजन्स। दे आर कोबरा, कॉमन करात, रसल वाइपर, सॉल स्केल वाइपर। क्या आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत टाइप के स्नेक्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ चार टाइप के स्नेक्स ही जो होते हैं वो, जो चार टाइप के स्नेक होते हैं वो ही बहुत जहरीले होते हैं। दैट आर कोबरा, वो कोबरा होते हैं, कॉमन करात होते हैं, रसल वाइपर जिसे डुबुया भी कहते हैं, सॉ स्केल वाइपर जिसे अफाई कहते हैं। अ स्नेक हैज़ टू हॉलो टीथ जिसे फैंग्स कहते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर द पर्सन बॉडी थ्रू द फैंग्स, दिस इज देयर इज अ मेडिसिन ऑफ स्नेक्स बाइट। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। स्नेक्स के पास दो दांत होते हैं, उन दांतों में छोटे छोटे छेद होते हैं। जब वो किसी आदमी को काटते हैं तो उसी छेद में से जो जहर होता है वो जाकर उस आदमी की बॉडी में चला जाता है और वो जहर उसकी बॉडी में फैल जाता है। इसने सांप के काटने के लिए भी बहुत, काटने से जो जहर फैलता है उसे रोकने के लिए बहुत सारे मेडिसिन बनाए गए हैं, और ये मेडिसिन सांप के पॉइजन से ही बनाए गए हैं। ये सारे जो मेडिसिन हैं ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। सो हियर योर चैप्टर नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। पेज नंबर 19, हियर सम बुक एक्सरसाइज फॉर यू। सो यू हैव टू फिल बाय योरसेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग this video.